हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक से युवा हताश हो चुके हैं और बार बार पेपर लीक ने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, जिसे लेकर सीएम धामी के मंत्रिमंडल ने अब फैसला ले लिया है। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक पर सीएम धामी ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक करने वालों को लेकर बड़ी बात कही है। आपको याद होगा कि यूपी में पेपर लीक के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के दोषियों की सारी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए थे। अब कुछ योगी के स्टाइल में सीएम धामी ने भी पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने पेपर लीक करने वालों की सारी संपत्ति जब्त करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अभियुक्त पेपर लीक प्रक्रिया से जुड़ा पाया गया तो उस पर 10 साल तक परीक्षा देने में प्रतिबंध लगाया जाएगा। कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे हेतु है कि लगातार चल रहा है और जहां पर भी ऐसी खबरें आई हैं, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी, 0.01% का भी कोई भी इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो, उसके लिए ज़रूर हमको मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और हम काम भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी के सख्त रवैये का असर आगामी परीक्षाओं में दिखता है या नहीं। लगातार राज्य में पेपर लीक के मामलों से युवाओं को भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। जिन परीक्षाओं के लिए युवा कई वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, आखिरी वक्त पर वो परीक्षाएं पेपर लीक के चलते रद्द हो जाती हैं और फिर उन्हें स्थगित कर दिया जाता है। लगातार पेपर लीक से युवाओं की परेशानी बढ़ रही है। फिलहाल सीएम धामी का ये कदम कितना कारगर सिद्ध होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।